हाय फ्रेंड, आर डी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन देखेंगे, जब हमारा समय भिन्न में दिया हो। इससे पहले आपने दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहले दूसरा पार्ट देख लीजिए, तब ये तीसरा पार्ट देखेंगे, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। पहले दूसरे पार्ट में हम बताए हैं, यदि जो हमारा समय है जैसे 2 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, तब किस तरह से लगाएंगे। आज देखेंगे कि जब हमारा समय भिन्न में दिया हो, जैसे 2 सही 1/2 दिया हो, या 1 सही 1/2 दिया हो, या 3 सही 1/2 दिया है, तब किस तरह से क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। भाई 3,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और 20% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष का बताना मिश्रधन कितना होगा। तो भाई देखो, हमारा जो मूलधन कितना दिया है वो 3,000 दिया है, और जो हमारा दर दिया है वो कितना दिया है, 20%। 2 वर्ष का बताना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, हम बताए थे इसको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो 20/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा नीचे, कितना आ जाएगा 100, इसको काटेंगे 20 एक कम 20, और 20 5 100, यानी कितना आ जाएगा 1/5। हम बताए थे जो नीचे का होता है वो मूलधन होता है, और नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। यानी हमारा मूलधन, मूलधन कितना होगा 5 होगा, और मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा 6, 5 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। हम बताए थे यदि समय 2 वर्ष होगा तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यदि समय 3 वर्ष होगा तो क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो यहाँ समय 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये जो हमारा मूलधन निकला है किसमें है, ये तो हम भिन्न में चेंज किए, यानी 25/ ये जो हमारा मूलधन एक किस्म 25 जो किस्में है भिन्न में है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल हमारा मूलधन कितना है 3,000, कितना है 3,000। तो देखेंगे कितने गुणा करेंगे कि 30,000 आए, इसमें आप भाग करेंगे कितने बार भाग होगा, ये 120 बार, ठीक है, कितनी बार होगा ये 120 बार। ऐसे देखो ये 3,000 है, अगर 25 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 25 एक कम 25, इधर कितना बचेगा 5, और 25 दूना 50, 1 0 उतार लेंगे, ठीक है, 120 बार जा रहा है, यानी अगर 120 गुना ये है तो इसमें भी किससे करना पड़ेगा 120, इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब 12 6 72 2 हाथ में 7, अब 12 3 36, और 36 4 40 3 43, कितना आएगा 4320। यही पूछा था मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 4320 रुपये, कितना हो जाएगा 4320। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहले वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। दोस्तों यदि आपने दूसरा भाग नहीं देखा है तो आप पहले जाके दूसरा भाग देख लीजिए, तब आप तीसरा भाग देखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर समय कैसे था 2 वर्ष, ठीक है, आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं, जब हमारा समय 1/2 वर्ष या 3 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, या 2 सही 1/2 वर्ष दिया है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, आइए हम इसको आसानी तरीके से सेम इसी मेथड पे लगाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। भाई यहाँ हमें समय कितना दिया है, 1 सही 1/2 वर्ष, तो हमारा मूलधन कितना दिया है, ये 6,000, कितना दिया है 6,000, ठीक है, मूलधन कितना दिया है 6,000 रुपये, और जो हमारा दर दिया है वो 10% दिया है, और जो हमारा समय कितना दिया है 1 सही 1/2, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अब हमको पूछा इसमें क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, भाई आपको सिर्फ बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें ये मूलधन पता है, किसी तरह से अगर हमें मिश्र धन पता चल जाए तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कि नहीं। तो आइए देखते हैं, सेम उसी तरह के लगाते हैं, ये 10
प्रतिशत है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/10। कितना आ जाएगा, 1/10। तो ये भाई 1/10 आ गया ना। तो हम क्या बताए थे कि इसको पहले अगर समय 2 वर्ष रहे तो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर 3 वर्ष रहे तो घन करते हैं। यहाँ पे समय कितना है, 1 सही 1/2, यानी 1 वर्ष पूरा है कि नहीं, तो हमारा जो मूलधन होगा, जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। और हमारा मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन 10 × 11। ये तो हमें 1 वर्ष का पता चल गया, हमारा मूलधन कितना है 10 है और मिश्र धन कितना है 11 है। दोस्तों जब ये एक कितना बचा, 1/2 वर्ष बचा कि नहीं, यानी 1/2 वर्ष बचा तो इसका अब क्या करेंगे, दर को आधा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1/2 है तो दर आधा हो जाएगा, यानी दर कितना, पहले 10% था, अब कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% कितना हो जाएगा, 5/100, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 20/25, 100, यानी 1/2 कितना आ जाएगा, 20। ये कितना हो जाएगा, मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये हमारा जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या करते भाई, देखो हमें ये तो 1 साल का पता है ना, और आधे साल का कितना निकल गया, 20, तो इसमें क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे, और ये आधे साल का मिश्र धन कितना पता चल गया, 21, तो इसमें क्या करेंगे, 21 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 × 200। आइए देखो 21 का 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 200 कितना होता है, 210, और 21 × 21 कितना हो जाएगा, 231, ये कितना हो जाएगा, 231। हमारा मूलधन पता चलेगा कितना है, 200 फ्रैक्शन है, और मिश्र धन कितना है, 231। भाई एक्चुअल में मूलधन हमारा कितना है, 6000 है ना, तो कितना गुणा, कितना किस में गुणा करोगे कि 6000 हो जाए, भाई देखो 200 है, अगर हम किसका गुणा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 से 60 में करोगे कितना बार जाएगा, ये 30 बार, ठीक है भाई, 30 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा कि नहीं। अगर इसमें 30 का गुणा कर किए हो तो इसमें भी 30 का गुणा आप कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 कहीं रहेगा, 3 × 3 और 3 × 9 और 3 × 2 = 6, यानी कितना हो जाएगा, 6930। हमें मिश्र धन पता चल गया और मूलधन पता चल गया, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, भाई देखो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो 6930 में से 6000 घटाओगे कितना बचेगा, 930, यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 930। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला, 930। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए, देखो इसमें दिया है मूलधन 6000 और जो हमारा दर है कितना है, 10% है, और समय कितना है, 1/2 वर्ष। पहले हम क्या करेंगे, जो पूर्णांक में रहेगा उसका निकालेंगे, तो पूर्णांक में कितना है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष का इसको 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10/100, यानी फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 1/10, हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और मिश्र धन कितना आ जाएगा, 11। अब इस आधे साल का निकालते हैं, आधे साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का आधा कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो 5 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20, तो मूलधन 20 हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 20 और 1 = 21 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले में 21, तो कितना बन जाएगा, 200, और कितना बन जाएगा, 231। अब देखो ये 200 न मूलधन हो कि एक्चुअल में कितना है, 6000, तो किससे गुणा करने पर 6000 होगा, 30 से, तो 6000 हो जाएगा, अगर 30 में इसमें गुणा कर रहे हैं तो 30 में इसमें भी गुणा कर देंगे, तो हमारा मिश्र धन और मूलधन तो पता ही था, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और सेम तरह से करते हैं जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। भाई देखो हमारा मूलधन कितना दिया है, 6000 रुपये, कितना दिया है, 6000 रुपये, ठीक है, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, दर 10%, हमें कितने साल का बताना है, 2 सही 1/2 वर्ष का, ठीक है, 2 सही 1/2 वर्ष का हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हम सबसे पहले क्या कहें कि आप पहले 2 साल का निकाल लीजिए, फिर आधे साल का निकाल लीजिए, तो हम बताए हैं इसको 10 से इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1/10,
ठीक है, 1/10 आ जाएगा, ये क्या होगा मूलधन होगा, ये क्या होगा एक जोड़ेंगे तो मिश्रधन, यानी मूलधन हमारा कितना हो गया 10 और मिश्रधन कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, ठीक है। अब देखो दो साल का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का 100 हो जाएगा और 11 का 121 हो जाएगा, ठीक है। हमें दो साल का पता चल गया, अब कितने निकालना है आधे साल का, तो आधे साल का निकालना यानी 1/2 का, तो इसका आधा लेंगे तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा 20, यानी 1/20, ठीक है, यानी इसमें हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और हमारा जो मिश्र धन है ठीक है वो कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, यानी मूलधन में हम 20 का गुणा कर देंगे और मिश्र धन में 21 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 20 का 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और 121 में 21 का गुणा कर दीजिए, 121 में 21 का, देखो 121 में 121 एक का गुणा करेंगे 121 हो जाएगा, और दो करेंगे दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो एक कम दो, ठीक है, तो एक ये चार पाँच ये दो कितना हो जाएगा 2541, कितना हो जाएगा ये 2541। अच्छा देखो ये हमारा कितना आया 2000 आया है, कितना आया है 2000 है, लेकिन हमारा एक चुगल जो हमारा मूलधन है कितना 6000 है, तो 2000 में कितने गुणा करेंगे 6000 हो जाएगा, तीन का करेंगे तो 6000 हो जाएगा कि नहीं, यानी इसमें भी तीन का गुणा करना पड़ेगा, तो तीन का इसमें भी गुणा कर दीजिए, तीन एक कम तीन और तीन चौक 12 और तीन पाँचे 15 एक 16 और तीन दूनी 6 एक 7, कितना आ जाएगा 7630, कितना आ जाएगा ये 7630। अब देखो हमें मिश्र धन और मूलधन पता चल गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा कि नहीं, भाई देखो 7623 में से 6000 घटाओगे कितना बचेगा ये 1623, कितना बचेगा 1623, यानी हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1623, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए एक अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप मुश्किल से 20-25 सेकंड में आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। अब इसमें कह रहा अर्धवार्षिक रूप से, देखो जब अर्धवार्षिक आता है ठीक है, तो दर में क्या किया जाता है 2 से भाग कर दिया जाता है और समय में 2 से गुणा कर दी जाती है, यही रूल होता है। तो इसमें देखो कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, तो पहले हम क्या करते हैं इसका समय निकाल लेते हैं अर्धवार्षिक का, फिर 2 से क्या करेंगे समय में भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई हमारा जो मूलधन दिया है, मूलधन ठीक है, मूलधन वो कितना दिया है 10,000 रुपये, ठीक है, कितना दिया है 10,000 रुपये, और जो हमारा मिश्र धन दिया है वो ये कितना दिया है 13,310 रुपये, 13,310 रुपये, और समय कितना दर कितना दिया है 20%। तो आपको बताना कितने समय में। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए तो एक जीरो से एक जीरो कट जाए कितना बचेगा 1/10, यानी हमारा जो मूलधन है मूलधन कितना हो जाएगा 10 और 10 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है, हम बताए थे समय निकालने के लिए, आप दूसरा पार्ट देखे होंगे उसमें बताए थे कि ये 11/10 कर दो, ठीक है, इसके पावर समय कर दो। अब ये मिश्र धन कितना दिया भाई 13,310 और ये कितना दिया है 10,000, ठीक है, कितना दिया है 10,000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं 11 का क्यूब होता है ये 10 का क्यूब होता है, ठीक है, तो इसके पावर कितना निकल जाए
क्यूब लग जाएगा, यहीं टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, क्यूब का मान, टी का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था तो 3 वर्ष का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 यानी 1/1/2। भाई 3 वर्ष का आधा 3/2, और 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 वर्ष, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 1/1/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। दोस्तों इसमें देखो प्रतिशत लग गया हो, गलती से लग गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट आज का समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने ये अगर समय ये भिन्न में ना दिए हों, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो उस तरह भी क्वेश्चन बता दिए। यदि हमारा समय भिन्न में दिए हों तभी क्वेश्चन बता दिए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक आज का समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।